रोहू मछली का स्पॉट कैसे ढूंढें? रोहू मछली जब खाती है, बाइट करती है, तो फ्लोट पे सिग्नल कैसा आता है? पूरा सेटअप, पूरा बाइट, हर चीज बताना है। ये पार्ट 3 है रोहू फिशिंग का। रोहू फिशिंग फ्लोट का सिग्नल कैसे पहचाने, तो उससे पहले जगह वेरीफाई करना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ये देखो मछली किस तरह है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आटे से भी खेल हो सकता है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ आटा से फिशिंग किया हूँ, चराई के लिए थोड़ा सा कोंडा फेंका था मछली जमा होने के लिए, क्योंकि मछली वहाँ पे हर तरफ घूम रही थी, तो जमा करने के लिए। और उसके बाद आटे का ही चराई किया और पकड़ा इतना सारा। काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो मैं सोचा नेक्स्ट और अच्छे से बता दूँ। इस बार अपन बाइट इस्तेमाल करेंगे आटे में थोड़ा सा कोंडा मिला के, कढ़ाई से भून के यानी गर्म करें, इतना खुशबू अच्छी आने इतना करके, और पार्ले जी मिक्स करना है। और जगह वेरीफाई कर लिया हूँ, जैसे बताया हूँ अलग एक जगह। आप बहुत जने पूछते कि कैसे देखें, इस तरह से देखो, जो झाड़ी हिला रही है मछलियाँ, झाड़ी हिला रही है, इसके बीच में बारीक मछलियाँ भी आती है और रोहू का भी रहता है। ये पहचान आपको ही करना पड़ेगा, खेलते खेलते अनुभव आ जाएगा। तो फोकस करना है फ्लोट का, फ्लोट बड़ा मेरा इसलिए रहता है कि कैमरे में अच्छा दिखे और इशारा आपको दिख जाए। रोहू का जो खाने का तरीका रहता है छोटे और बड़े का सेम रहता है, थोड़ा फ़र्क रहता है और जो फ्लोट में टुक टुक आती स्पीड, और बड़े और छोटे में फ़र्क आता है। अगर आप छोटे का पहचान लिए तो बड़ा भी पकड़ सकते हैं। मेन मुझे बताना है कि उसका सिग्नल कैसे आता है, क्योंकि बारीक मछलियाँ जो खाती है उस टाइम में, और उसके बीच में रोहू का पहचानना रहता है। रोहू मछली का स्पॉट कैसे ढूंढें, तो हम लोग ने ढूंढ लिए हैं। दूसरा, फ्लोट का सिग्नल, रोहू मछली जब खाती है, बाइट करती है, तो फ्लोट पे सिग्नल कैसा आता है वो दिखाना है। मेन फोकस करना है, पूरा सेटअप, पूरा बाइट, हर चीज़ बताना है। और अपने को स्पॉट मिल गया, अच्छा, मछली की चाल अच्छी दिख रही है। सबसे पहले चराई करते, चराई हमेशा से करता हूँ कोंडा, सूखा मार सकते हैं और गीला भी मार सकते हैं। नीचे बैठाना रहेगा तो थोड़ा गीला करके मारें, और ऊपर ऊपर अगर मछली घूम रही है वहाँ लाना है तो आपको सूखा करना पड़ेगा। तो चराई पहले कर लेता हूँ, उसके बाद सेटअप वगैरह रेडी करेंगे। तो ये हमारे पास कोंडा है, राइस पॉलिश, यहाँ राइस पॉलिश फेंकते से मछलियाँ इतनी जमा हो जाएगी। पहले सूखा मारता हूँ, ऊपर ऊपर तैर के फैलेगी मछलियाँ, चाटते चाटते आएगी ऊपर, क्योंकि ऊपर है मछली। उसके बाद थोड़ा गीला मारेंगे ताकि नीचे जाके बैठेगा, तो नीचे बैठेगी मछलियाँ। कचरा कितना फैला के रखते यार, थोड़ा ये गीला करके मारेंगे ताकि नीचे बैठेगी मछली। ये होगा नीचे के लिए, ये देखो यहाँ से निकल के भाग रही मछली। ऐसे ऐसे जगहों में घूम रही है, देखो घासों में कितना घुसा हुआ है, हर जगह पे घास हिल रही है। फ्लोट वाला सेटअप बनाया, बिना रील का खेल रहा हूँ। हमारा आज का सेटअप है डाइवर का जुपिटर सुपीरियर रॉड, येलो कलर में, 7 फीट में, और फ्लोट अपना एडजस्टेबल वाला, लेवल घटा बढ़ा सकते हैं। हुक अपना इस्तेमाल करेंगे, ये एक अंदाज़ा लगा लो आप नंबर, क्योंकि हर हुक में नंबर अलग अलग आता है, तो ये मेरी उंगली के बराबर है ऐसा। आपके सूटेबल के हिसाब से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये सेटअप है मेरा, और बैट बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा बैट है, हमेशा से बोलता हूँ पानी वहीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है, ये आटे में कोंडा मिक्स किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, अगर स्पॉट पे पहुंच रहे ना, चराई कर दो, क्योंकि जब तक अपना अपना काम करते हैं ना, तब तक मछली जमा हो जाती है। अच्छा, पानी लेवल चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ शिकारी खेलते हैं, लेकिन अपने को नहीं मालूम ना कितना लेवल है। तो ये गोली लगाया हमने, ये डाल के देखते हैं। अरे खाना चालू कर दे, डालते से। क्या यार, ये छोटे रोहू आ गए क्या? हाँ, ये रोहू ही खा रहा है। तलपी का झुंड जमा हो गई, तो थोड़ी छोटी मछलियाँ डरती है छोटी रोहू उनके झुंड में जाने के लिए। चराई में यही रहता कि तिलपिया अगर रहा तो बहुत आके जमा हो जाती है। वो देखो, ये तिलपिया ही खा रहे हो। बारीक मछलियाँ तो बहुत स्पीड से खाती है, इधर उधर लेके घूमती हो। इसके बीच में आएंगे रोहू,
GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये लगी पर बहुत छोटा है यार, इसको रिलीज करना पड़ेगा। रुक जा, इसको रिलीज करना पड़ेगा। मेरा बंगाली मास्टर रहता तो बोलता था रिलीज मत करो, पहली मछली है। आराम से। ये पहला सक्सेस मिला यहाँ पे। इसको उधर दूर फेंकते हैं। किधर फेंकूँ? उधर घासों में। चलो एक रिलीज कर दी हमने, क्योंकि काफ़ी छोटा था। इसके लिए गोली बड़ी लगाता हूँ। ये खाते हैं तो लगता नहीं, ये बारीक बारीक जब खाती है तो वैसा नहीं खा पाती। रोह पकड़ता जगह पर और चूसना चालू करता ना तो फ्लोट जगह पर ही रहता है। थोड़ा सा और गीला कोंडा मार देंगे। धूप अगर रहे ना तो अलग ही जलवा रहता है भाई। धूप में रोहू का ऐसा लगता है, बहुत ही शानदार। एक हमेशा दूसरा जगह रखता हूँ बी, प्लान बी के लिए। यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है, दोनों तरफ से घास घास है। मछलियाँ यहाँ भी काफ़ी आएगी, यहाँ चर भी रही है, बारीक मछलियाँ ज़्यादा। लेकिन रोहू का उधर का चाल है, ये देखो कितने तेज़ी से घास हिला रहे। चालो क्या मारोगे? चालू कर। यही होता कैमरे के लिए, कभी कभी चालू नहीं करता। देखो रव ने कैसा तोड़ा। एक्चुअली कैमरा बंद रखा था कुछ देर के लिए, रव ने कैसा तोड़ा देखो, आ जाता था मारता था। थोड़ा सा लेट हो गया मारने में मैं। हर जगह तलपी। अरे सर कुछ कर लीजिए, तखने खेत तुम यार बंसिया राखे गली के लिए फोन करबे रमजान। साइज लग रहे और आज पता नहीं लंबे में ही मछली। हम आए थे जब नज़दीक था और लंबे में चले गए मछली, रील लाए नहीं थे अपन ने। देखो जाने के टाइम अच्छा साइज हो यार, भागते तो अच्छी साइज लगी यार, यही साइज तो होना था। आखिरकार बहुत ही सब्र के बाद बेहतरीन साइज लगा। इसका मुंह फूटा हुआ था ऑलरेडी, अभी फूटा नहीं, फूटा हुआ है ऑलरेडी पहले से। फट गया कि हैंड सीन रख ले। ओहो माय गॉड, ये देखो दोस्तों ये एक शुरुआत हो चुकी है। लंबे में मछली लग रही है, कल बहुत समय बर्बाद किया किनारे पे और अब कोई ऑप्शन नहीं था, ना रील था अपने पास, कुछ नहीं था। ये देखो पहला नक, और आज नहीं रिलीज करेंगे क्योंकि रिलीज जिस दिन करता उस दिन मछली लगती नहीं मेरी। बहुत खुशी हो रही, होती है खुशी एक्चुअली बहुत।
सके भैया थोड़े दिन अच्छी अरे भी जाता था ये। ये देखो ये साइज के रोह के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यार, ये तो इतना स्पीड से लगना चाहिए था। अरे हम हार मार लो कुछ साइज का बहुत दिक्कत होता है। अरे यार ये बंद कर ले देखिए जमीर चल ठीक है हैं। ये देखो जलिए यकीन मानो दोस्तों लगे बाद है ना जो एनर्जी आती है ना बॉडी में कमाल का रहता। हैंडसेट चालू लो जे हुई ना बात बारिश चालू है कैमकॉर्डर का शायद से फ्लोर दिख रहा होगा पानी गिर गया सामने। चलो रखते इसको भी मार के लायक साइज है। करे थे उघार दी जिस साइज अच्छी है तो भागने का करेगा क्या। पानी की वजह से ढकना पड़ा है काफी छोटा है। थोड़ी और ताकत लगा फोकस ठलन ने की रहे खा लो यार। ये अलग खा रहा था कुछ अलग टाइप के तो इस तरह से भी खा रहे ना। ओहो ओहो साइज अच्छी है यार। अरे अबू
अरे यार थोड़ा पहले होना था इसको। चलो आप चलते हैं, अपना कंप्लीट हो गया वीडियो, यहीं बंद करते हैं। पॉसिबल होगा तो कुकिंग का बताएंगे, नहीं तो यहीं से समाप्त। तो ये लगी है अपनी, और हमारे अगल बगल में बहुत शिकारी बेचारों को नहीं लगा, मतलब कुछ को नहीं लगा, उनको पूछते ही लेते हैं मच्छी। मछली जाएगी यहाँ पे, ले अब बिना चलो लगेगा नहीं। चलो छोटा लाए तो बड़े आ गए।